Hey guys, welcome back to Sartaj Sir की क्लास। तो guys, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 40वां दिन और आज के दिन मैं आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाने वाला हूं। बहुत कमाल की चीज है। आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको फरांटेदार इंग्लिश आती है लेकिन उन्हें क्वेश्चन टैग नहीं आते हैं। तो अपने अपने आप को आज उनसे अलग कर लो, आज से आपको क्वेश्चन टैग आ जाएंगे। अब इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाऊं, आप इसे याद कीजिए। कल वाली क्लास में मैंने आपको शॉर्ट आंसर देना सिखाया था, तब मैंने आपको ये शॉर्ट चार्ट करवाई थी। मैंने इसे मिटाया नहीं है, रेज नहीं किया है, इसीलिए क्योंकि आज फिर से हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। जरा गौर कर लो एक बार, जैसे शॉर्ट में कैन और नॉट को कांट बोलते हैं, डू और नॉट को डोंट बोलते हैं, डज और नॉट को डजंट, इसी तरीके से विल और नॉट को वांट, शैल और नॉट को शॉन्ट, वाज नॉट को वजंट और वर नॉट को वरंट बोलते हैं। या फिंगर टिप्स याद कर लीजिए उंगलियों पे, ये बहुत काम की चीज है। इससे एक तो स्टाइल आता है, जैसे मुझे कहना ना मैं नहीं जा सकता हूं तो आई कैन नॉट गो की जगह आई कांट गो, मैं नहीं आऊंगा आई विल नॉट कम की जगह आई वॉन्ट कम। तो ये क्या होते हैं, स्टाइल मारने के लिए होते हैं और ये बहुत अच्छी चीज है। आज हम जो टॉपिक करेंगे, इस टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। आप देखिए क्वेश्चन टैग कैसे होते हैं। कई बार आप सेंटेंसेस के लास्ट में एक पूंछ लगा देते हैं, जैसे तुम जाओगे, ये तो हो गया सेंटेंस ना, ये पूंछ लग गई, तुम जाओगे ना, तुम आओगे ना, तुम कल सो रहे थे ना, तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम सच बोल रहे हो ना, ऐसे। या फिर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, तुम जाओगे नहीं जाओगे क्या, तुम झूठ बोल रहे हो नहीं झूठ बोल रहे हो क्या, मम्मी कल सामान खरीद रही थी नहीं खरीद रही क्या, नहीं खरीद रही थी क्या, तुम कल रो रहे थे नहीं रो रहे थे क्या, झूठ बोल रहे हो। तो इस तरह से हम सेंटेंस के लास्ट में जो पूंछ लगा देते हैं वो क्वेश्चन, वो जो सवाल की जो हमारे पूंछ होती है वो क्वेश्चन टैग कहलाती है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक काम की बात, क्या आप जानते हैं कि आपकी पहली जॉब ही डिसाइड करती है कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। और अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपकी पहली जॉब आपके लिए एक लॉन्च पैड का काम करती है जो आपको और आपके करियर को ऊंचाइयों तक ले जाती है। लेकिन क्या आप ये चाहेंगे कि आपको जॉब पर रखने वाला खुद आपकी जॉब और आपके करियर को तय करे, या फिर आप ये चाहेंगे कि आप अपने स्किल्स और अपने इंटरेस्ट के आधार पर खुद इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ अपना करियर बनाएं। तो अगर आप अपना करियर खुद बनाना चाहते हैं तो आप जैसे लोगों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, मिलिए Relevel by an Academy। Relevel के टेस्ट के जरिए आप अपने स्किल्स को इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के सामने शोकेस कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएट, अपग्रेड, ग्रीव, मीशो, कू, येलो और भी बहुत सारी। और अगर आपको यह लग रहा है कि ये चार्जेबल है, इसके कुछ पैसे देने होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि Relevel के ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, इसका एक रुपया भी आपको नहीं देना है। फ्री होने के साथ साथ ये एकदम सीधा रास्ता है जो आपके करियर को एकदम टॉप पर ले जाता है। अब देखो, इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने के लिए आपको Relevel टेस्ट में कम से कम 70% का स्कोर करना है, जिसके बाद आपका एक Relevel प्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आपके इस कमाल के स्कोर और Relevel प्रोफाइल के जरिए आपको इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। और अगर अभी कोई कंफ्यूजन है ना Relevel को लेकर, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूं। देखिए, आपका Relevel प्रोफाइल और आपका स्कोर आपको उन सैकड़ों एक्सपीरियंस रिज्यूमे से बचा लेता है जो कि HR की टेबल पर पड़े हुए हैं। अब कोई भी HR किसको चूज करेगा जिसके पास अच्छी क्वालिफिकेशंस है और एक्सपीरियंस है, लेकिन Relevel टेस्ट के जरिए आप अपने स्किल्स के आधार पर इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में नौकरी पा सकते हैं। और Relevel का टेस्ट आपको बचाता है रिजेक्शन से, जो कि बिल्कुल आम बात है जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं। Relevel टेस्ट के जरिए ना जाने कितने लोगों को उनकी ड्रीम जॉब मिली है और उन सभी लोगों ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है Relevel के ट्विटर हैंडल पर। आप भी इनमें से एक बन सकते हैं। तो अगर आप तैयार हो अपने करियर को एक ऊंची उड़ान देने के लिए, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक डेट सेलेक्ट करनी है और एक टाइम सेलेक्ट करना है, और उस टाइम पर आपको Relevel का टेस्ट अटेम्प्ट कर देना है। और हां, डेट भी आप अपनी मर्जी की सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब छुट्टी का दिन हो, त्यौहार का दिन हो, कोई सा भी दिन हो, जिस दिन आपको लगे ना आप कंफर्टेबल है और तैयार है वही डेट सेलेक्ट कर लो और Relevel का टेस्ट जाकर दे दो। कभी कभी तो मैं खुद सोचने लगता हूं कि यार Relevel कितना कमाल का प्लेटफॉर्म है जो कितनी आसानी से आपके स्किल्स के आधार पर आपके करियर को एकदम ऊंचाइयों तक ले जाता है और आपको आपकी ड्रीम जॉब दिलवाता है। लेकिन ये एकदम हकीकत है, रियलिटी है। तो गाइस, है ना कमाल की बात। तो फिर देर किस बात की है, अभी जाइए और Relevel टेस्ट के लिए अपना स्लॉट बुक कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए और अभी जाकर चेक कीजिए। आओ अब ऐसे ही सेंटेंसेस को बनाना सीखें और बहुत मजा आएगा, और आप आज से ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बना पाएंगे जो अच्छे अच्छे फरांटेदार इंग्लिश बोलने वाले भी नहीं बना पाते हैं। अब क्वेश्चन टैग दो प्रकार के होते हैं, या तो ये पॉजिटिव होंगे या ये नेगेटिव होंगे, या तो ये हाँ में होंगे या ये ना में होंगे। अगर ये हाँ में है तो आपको सबसे पहले अपना सेंटेंस लिखना है, और अगर ये ना में है तब भी आपको सबसे पहले अपना सेंटेंस ही लिखना है, ठीक है। अब सेंटेंस लिख लेने के बाद अब आती है टैगिंग की बारी, क्वेश्चन टैग। तो अगर आप पॉजिटिव दे रहे हैं तो आपको तीन चीजें लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। और अगर आप नेगेटिव यानी नॉट वाला बना रहे हैं तो इसका मतलब नॉट तो ऑलरेडी सेंटेंस में आएगा ही, तो यहां पर हम अब नॉट नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट बस और क्वेश्चन मार्क। तो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी जिसमें पॉजिटिव वाला है, तो इसमें नॉट तो आएगा ही नहीं, तो टैगिंग में नॉट आएगा।
और जो नेगेटिव है उसमें तो नॉट आएगा ही आएगा, तो टैगिंग में नॉट नहीं आएगा। ये जो पार्ट है हमारा, ये टैगिंग का पार्ट है, इतना इतना ये सेंटेंस है। चलो बनाते हैं, देखो देखो मेरी तरफ। जैसे मैंने कहा वह जाएगा ना, तो देखो ये जो ना है यही क्वेश्चन टैग है। ये अच्छे अच्छे से छोड़ देते हैं, अरे ना के लिए कुछ नहीं लगाते, वही ही विल गो, बस बन गया बन गया। नहीं आता नहीं है उन्हें, तभी तो ऐसे कह रहे हैं। लेकिन आज के बाद आप ऐसे नहीं कहोगे वह जाएगा ना, या फिर कुछ लोग ऐसे कहते हैं जाएगा नहीं जाएगा क्या, ऐसे ही बोलते अकड़ के, वो जाएगा नहीं जाएगा क्या, झूठ बोल रहा है ऐसे। तो यही तो ये चाहे ऐसे बोल लो चाहे ऐसे बोल लो, एक ही बात है, क्वेश्चन टैग ही कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे ये वाला, इसे अभी नहीं बनाएंगे, छेड़ेंगे नहीं। वह जाएगा, ही विल गो, ऐसे बना लिया। अब बनाने के बाद ये डिसाइड करो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है नेगेटिव है। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पॉजिटिव वाला। अगर नेगेटिव होता तो ये वाला लगता। तो ये वाला फॉर्मूले में हमने सेंटेंस तो लिख दिया, वह जाएगा ही विल गो, सेंटेंस हो गया। अब टैगिंग की बारी है, टैगिंग में हमें तीन चीज लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और सब्जेक्ट, और नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ चिपका के लिखना है। तो चिपके हुए सारे यहां पर लिखे हुए चार्ट में, यहां से ढूंढ लेंगे कौन किसके साथ चिपकेगा। पहले यह देखो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, तो जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर यूज हुई है वही वाली लगानी है। देखो क्या यूज हुआ है, विल यूज हुआ है, विल यही लगाना है, विल ही लगाना है, लेकिन नॉट के साथ मिला के। तो ढूंढ लो विल 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 विल, ये रहा विल, और विल और नॉट मिला के वांट बन रहे हैं। तो यहां पे हम हेल्पिंग और नॉट को लिखेंगे वांट। चलो जी, अब कह रहा सब्जेक्ट लिखो, कौन सा सब्जेक्ट लिखें, तो जो सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है वही वाला सब्जेक्ट लिखना है। तो यहां विल यूज हुआ था यही वाली हेल्पिंग, और यहां ही यूज हुआ है यही वाला विल ही। लो ऐसे बनेगा, और इसे तुम छोटी मोटी फिल्म में समझो, ये भाई साहब हॉलीवुड की फिल्मों में, नॉवेल्स में, ड्रामों में, इंग्लिश जो है क्या नाम लिटरेचर में, साथ ही साथ फॉरेन कंट्री में, इंटरनेशनल लेवल पर, न्यूज चैनल्स पर बहुत बड़ी चीज है, ये यूज कर होती है सारी। तो यहां पे ऐसे बोला जाएगा, वो जाएगा ना, ही विल गो वॉन्ट ही। शुरू में तो बड़ी दिक्कत सी लगेगी, यार क्या है ये जंजाल सा, कैसे बोल रहे हो सर, ये तो अच्छा भी नहीं लग रहा बोलते हुए। लेकिन तुम्हारे अच्छे लगने ना लगने से थोड़ी होगा, ऐसे ही बोलते हैं फॉरेनर्स। तो यहां पे अगर मुझे बोलना है वो जाएगा तो नॉर्मल ही विल गो, लेकिन अगर मुझे कहना वो जाएगा ना तो ऐसे बोलेंगे ही विल गो वॉन्ट ही विल गो वॉन्ट ही। चलो एक और बनाते हैं, जैसे मुझे बोलना है तुम सो रहे हो ना, तुम सो रहे हो ना। आप अगर ये खाली ऐसा होता तुम सो रहे हो तो चलो आसान है, यू आर स्लीपिंग, लेकिन ये ना ने बड़ा काम खराब कर दिया इंग्लिश में। ये हिंदी में भले इतना सा है लेकिन इंग्लिश में बहुत लंबा चौड़ाई है। तुम सो रहे हो ना, या तुम सो रहे हो, नहीं सो रहे क्या, झूठ बोल रहे हो, तो तुम सो रहे हो ना। चलो बनाते हैं, तो तुम सो रहे, यू आर स्लीपिंग, सॉरी स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग हो गया। अब इसमें ना के लिए इंग्लिश लगानी है, तो पहले ही देखो अफर्मेटिव है नेगेटिव है, अफर्मेटिव है ये वाला है, ये पॉजिटिव वाला यानी नेगेटिव नहीं है। तो ये वाला फिर से टैगिंग यही वाली होगी, हेल्पिंग आर नॉट और सब्जेक्ट। हेल्पिंग आर कौन सी उठानी है, जो इसमें लगी हुई है, आर उठाना है, तो आर्ट की आर को नॉट के साथ देख लो, ये रहा आरेंट आरेंट। उसके बाद सब्जेक्ट उठाना है, सब्जेक्ट जो इसमें यूज हुआ है वही उठा लो, यू क्वेश्चन मार्क के साथ बंद करो। तो हो गया तुम सो रहे हो ना, यू आर स्लीपिंग aren't you, यू आर स्लीपिंग aren't you, हो गया, कितना सिंपल है। चलो अब एक नेगेटिव भी ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा हम नहीं जाएंगे ना, हम नहीं जाएंगे ना। चलो तो हम नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो, वी विल नॉट गो या वी शैल नॉट गो, ये तो हो गया, इतना खत्म हो गया। अब टैगिंग करनी है, जो ना है हिंदी में छोटा सा, ये इंग्लिश में बहुत लंबा चौड़ा है, अब इसको लगाना है। तो ना को लगाना है तो हमें क्या करना है, अब ये नेगेटिव वाला लेंगे फॉर्मूला, क्योंकि नॉट वाला एसेंट है, वी विल नॉट, नॉट वाला है, नेगेटिव है। तो अब हमने सेंटेंस तो लिख दिया वी विल नॉट गो, अब टैगिंग की बारी है। टैगिंग में इस बार हमें तीन नहीं बल्कि दो ही चीजें लिखनी है, नॉट गायब हो गया क्योंकि नॉट ऑलरेडी आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, जो इसमें यूज हुई है वही वाली लिखो, विल यूज हुआ है तो विल ही लिखो, अब शॉर्ट नहीं लिखनी है क्योंकि नॉट थोड़ी लग रहा है, नॉट तो ऑलरेडी आ गया, तो विल। कौन सा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट इसमें यूज हुआ है वही वाला लिखो, तो हो जाएगा वी विल नॉट गो विल वी, वी विल नॉट गो विल वी, हो गया, कितना आसान है यार। चलो अब यहां तक तो आप सीख गए, अब इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आप समझ लीजिए।
पहला रूल ये है कि अगर लड़के का नाम हो तो सब्जेक्ट में लड़के का नाम नहीं लगाते। जैसे हमारा सब्जेक्ट वी था तो वी उठा के लगा दिया, अभी यू था तो यू ही लगा दिया था, आई होता आई लगाते, ही होता ही लगाते, शी होता शी लगाते, नाम का नाम नहीं। जैसे मुझे कहना है रानी नाच सकती है ना, नाच सकती है ना। अब रानी नाच सकती है तो रानी कैन डांस, ये तो हो गया रानी कैन डांस। अब ना के लिए बनाना है तो सेंटेंस हमारा कौन सा है, नॉट वाला नहीं है, पॉजिटिव है तो ये वाला है, तो यानी टैगिंग ये वाली चलेगी। तो हेल्पिंगर प्लस नॉट उठाएंगे पहले, तो कैन का है तो कैन ही उठा लेंगे, कांट हो जाएगा क्योंकि नॉट भी लगाना है, तो कैन और नॉट इज इक्वल टू कांट। इसके बाद कह रहे सब्जेक्ट लगाओ तो ही होता तो ही लिखते, शी होता तो शी लिखते, दे होता तो दे लिखते, यू होता तो यू लिखते, वी होता तो वी लिखते, आई होता तो आई लिखते, लेकिन नाम का नाम नहीं लिखेंगे यार। देखो प्लीज, नाम लड़के का है तो ही, लड़की के का है तो शी, तो रानी है तो रानी को उठा के लाएंगे तो वो शी बन जाएगी। तो हो गया रानी कैन डांस कांट शी, रानी कैन डांस कांट शी, ऐसे बोलेंगे। सेम अगर लड़के का नाम होता, रानी को हटाओ, राहुल नाच सकता है ना, तो यहां पे राहुल कैन डांस कांट ही, अब लड़के का नाम है तो ही हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे। कितना तो आसान है यार। एक और रूल है इसका कि अगर निर्जीव वस्तु हो, यानी कोई ऐसी चीज है जो बेजान हो, जिसमें जान ना हो, जैसे मुझे कहना है रेल आ रही है ना, रेल आ रही है ना, तो रेल आ रही है, द ट्रेन इज कमिंग, द ट्रेन इज अराइविंग या कमिंग, अब हमें टैगिंग करनी है, द ट्रेन इज कमिंग। सेकंड इज नॉट वाला नहीं है, पॉजिटिव है तो यही वाली टैगिंग होगी। इसको उठाएंगे तो इसका शॉर्ट हो जाएगा इजेंट। अब ट्रेन को उठाएंगे तो लड़के का नाम है तो ही, लड़की का है तो शी, लेकिन निर्जीव चीज का है तो इट लगाएंगे तो इट हो जाएगा, तो इंग्लिश हो जाएगी द ट्रेन इज अराइविंग, द ट्रेन इज कमिंग इजंट इट, द ट्रेन इज कमिंग इजंट इट, ऐसे बोलेंगे। और लास्ट में अगर नाम एक से ज्यादा हो, जैसे सोनू और मोनू, अबे यार इंग्लिश में लिख दिया मैंने भी, मैं भी क्या हूं, सोनू और मोनू जा चुके हैं ना, जा चुके नहीं जा, अब एक नहीं वाला भी ले लो यार, नहीं जा चुके हैं ना, नहीं जा चुके हैं ना, तो पहले तो ये ना छोड़ो, सोनू और मोनू नहीं जा चुके हैं, सोनू एंड मोनू हैव नॉट गोन, ये तो हो गया सोनू और मोनू नहीं जा चुके हैं। अब टैगिंग नीचे करनी पड़ेगी, ऊपर जगह नहीं बची तुम्हें दिखेगा नहीं, तो अब टैगिंग करनी है तो अब नेगेटिव सेंटेंस है, ये वाला फॉर्मूला, दो ही चीज लेनी है, हेल्पिंगर और सब्जेक्ट, तो हेल्पिंगर तो हैव है, कहां ये रहा हैव, तो हैव ही रह गया हैव, और उसके बाद सोनू और मोनू है, लड़के का नाम हो तो ही, लड़की का नाम हो तो शी, बेजान का नाम हो तो इट, लेकिन नाम एक से ज्यादा हो तो दे, हैव दे, ये लीजिए हैव दे, तो सोनू एंड मोनू हैवंट गॉन, हैव दे, ऐसे बनाएंगे। अगर ऊपर नॉट नहीं होता, खाली ऐसा होता सोनू और मोनू जा चुके हैं ना, सोनू एंड मोनू हैव गॉन, हैवंट दे, फिर नॉट लगता है इसमें हैव में, ये फॉर्मूला होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस पूछना कभी किसी से, पूछना जरा जाके के बनाना, ये वाला बनाना, तुम कल आओगे ना तो पता क्या बोल देंगे, यू विल कम टुमारो, फिर आप कहेंगे वो ना के लिए तो लगा भाई, तुम कल आओगे ना, ना के लिए क्या, अरे वो नहीं लगता इंग्लिश में यार, वो तो छोटी सी चीज है, ना के लिए ऐसे लगा दो आर यू कमिंग, ये सब नहीं, ये बताना फिर उन्हें। चलिए अब आपके लिए एक छोटा सा यूवर्क है, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर पांच सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, इन पांचों को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है टैगिंग करके, और इनकी टैगिंग इसी रूल के अनुसार करना, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना, मैं बेस्ट आंसर को पिन अप करूंगा, वो हमेशा टॉप पर चिपका रहेगा। आज के क्वेश्चन टैग वाली क्लास आपको कैसे लगी, कुछ समझ में आया नहीं आया, और आज समझ में आया ना, नहीं समझ में आया ना, आया ना, ठीक है मुझे बताइएगा, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, इंग्लिश स्पीकिंग में से लाइए बोलिए, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।